हमारे भारतीय लोगों के घरों में कई तरह के मसाले का यूज किया जाता है, क्योंकि टेस्ट और फ्लेवर के लिए जो है इंडिया जाना जाता है। इन्हीं मसालों में से एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मसाला है जिसको कि हम कहते हैं जायफल। मोस्टली घरों में जायफल जायका बढ़ाने के लिए, खुशबू बढ़ाने के लिए, टेस्ट बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। इवन जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उन बेबी को हेल्दी रखने के लिए, उनके हेल्थ समस्याओं से उनको बचाने के लिए भी जायफल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जायफल पुरुषों के लिए एक रामबाण औषधि है, और ये जो औषधि है जिसको कि हम जायफल कहते हैं वो पुरुषों में कई तरह की बड़ी बड़ी असाध्य रोगों से उनको बचा सकता है और उनके शरीर में बहुत सारी ऐसी चीजों को अच्छा कर सकता है जिसके लिए पूरी उम्र वो दवाइयां खाते रहते हैं। तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम पुनीता झा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता। ये जो जायफल है ये पुरुषों के लिए बहुत 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 ज्यादा इफेक्टिव एक तरह का मसाला होता है। शायद इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन आज मैं बताने वाली हूं कि बहुत सारे लोग जो जिंदगी में बहुत सारी चीजों से परेशान हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, उनको लगता है कुछ ठीक नहीं हो सकता है, वैसे टाइम में जायफल आपकी जरूर हेल्प कर सकता है। इसलिए बने रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो में और अंत तक देखिए कि क्या क्या चीजें मैं बताती हूँ जो आप जायफल से करके अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। जायफल के अंदर प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, प्रोटीन होता है और उसके साथ विटामिन सी होता है। तो इतनी सारी चीजें इसको एक सुपर फूड बनाता है। इसके औषधीय गुण के वजह से ये एक मसाला जो है छोटी उम्र नए जन्मे हुए बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक के लिए हेल्पफुल होता है। आइए अब हम जानते हैं कि पुरुषों के लिए कैसे ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला काम जो पुरुषों में करता है ये जायफल, वो उनके स्टेमिना को इंक्रीज करता है। आप सबने वायग्रा का नाम सुना होगा कि वायग्रा स्टेमिना इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सदियों से, लेकिन आप सबको शायद ये नहीं पता हुआ होगा कि वायग्रा का सब्स्टिट्यूट के तौर पे आप जायफल को यूज कर सकते हो। और जायफल जो है वो स्लोली ग्रेजुअली आपके बॉडी में आपके स्टेमिना को एनहांस करता है। और कई तरह के रिसर्च हुए, उस रिसर्च में ये सामने आया है कि वायग्रा की तरह ही ये नटमैग जो है आपके बॉडी में काम करता है। और स्पेशली जो पुरुषों में इनफर्टिलिटी आ जाती है उस इनफर्टिलिटी को दूर करने में ये बहुत ही जरूरी औषधि है। दूसरा जो ये काम करता है, आपके शरीर में कहीं भी किसी कारण से जो दर्द होता है वो शारीरिक दर्द से आपको छुटकारा दिलाता है। और ये एक रिसर्च हुआ डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस इन शिकागो, और उसमें ये पाया गया कि इसके अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपके इंटरनल इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन जो अंदरूनी होती है उसको कम करता है, जो दर्द होती है उस दर्द को नम कर देता है मतलब खत्म करने का काम करता है, और जो नसों वगैरह में जो सुनपन आ जाती है, नस वगैरह प्रॉपर एक्सट्रीमिटीज जो हमारे हाथ पांव में झंझनाहट होने लगती है या हाथ पांव हमारे प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते, हाथ पांव में दर्द बहुत ज्यादा रहती है, उसको दूर करने में बहुत बड़ा काम करता है। जायफल जो है वो अपने आप में एक एनाल्जेसिक मतलब दर्द निवारक जो होती है, जो पेन किलर्स आप खाते हो उस तरह से काम करती है। इसी वजह से जो लोग भी डिप्रेशन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, इंसोमनिया की प्रॉब्लम होती है, नींद उनको बहुत ज्यादा नहीं आती है, उनके शरीर में वो एंटी डिप्रेजेंट मतलब कि एंटी डिप्रेशन वाले मेडिसिन के तरह बॉडी में जाकर काम करता है। और आपके शरीर को जहां से प्रॉब्लम होती है वो जो उस तरह के जो हार्मोन रिलीज होते हैं जिसके वजह से वो डिप्रेशन और एंजाइटी क्रिएट होती है उसको रिड्यूस करके शांत करके पॉजिटिव गुड टाइप ऑफ हार्मोन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपकी नींद अच्छी हो जाती है, ब्रेन आपका शांत हो जाता है, फोकस होने लगता है ब्रेन, और डिप्रेशन और एंजाइटी जो है वो रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती है। और बताने की ये जरूरत तो है नहीं कि आज के टाइम हो या पुराने टाइम हो, मोस्टली पुरुषों में ये एक आदत होती है, वो छोटी छोटी बातों का इंस्टेंट जो है वो टेंशन ले लेते हैं, चाहे वो घर की बात हो, चाहे परिवार की बात हो, चाहे वो जॉब की बात हो, चाहे वो बिजनेस की बात हो, जिसके उस छोटे 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 टेंशन की वजह से उनके दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ चल रहा होता है, कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस रहती है। तो इसके अंदर एक ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो वो जो डिस्टर्बेंस होती है, ब्रेन जो उस हिसाब से डिस्टर्ब रहता है उस नर्व को वो शांत कर देता है, जिसके वजह से आपका दिमाग बहुत कूल एंड काम होता है, जिसकी वजह से आप फोकस कर सकते हैं, आपके काम में बढ़ोतरी हो सकती है। अब इसको लेना कैसे है, तो लेने के लिए मैं आपको बता दूं कि जायफल लेने का तरीका होता है, क्योंकि इसकी तासीर जो है वो हल्की सी गर्म होती है, सर्दियों में तो चिंता की बिल्कुल बात नहीं होती,
जाती है, लेकिन गर्मियों में आप थोड़ा सा इसको सोच समझ कर लें। एक दिन में 5 ग्राम से ज्यादा जायफल ना लें। लेने का तरीका भी ये है कि जिन लोगों को बॉडी में इनफर्टिलिटी के लिए लेना है, या एंटी डिप्रेशन के तरह लेना है, बॉडी रिलैक्स करने के लिए लेना है, या हाथ पांव में सुन्नपन वगैरह जो हो जाती है, दर्द वगैरह जो हो जाती है, इसके लिए अगर लेना है तो इसको दो तरह से लिया जा सकता है। पहली तरीका लेने का ये है कि आप 5 ग्राम जायफल लें, 1 चम्मच शहद में अच्छे से मिलाएं और फिर पहले इसको चम्मच से खा लें और ऊपर से आप 1 कप दूध पिएं। अगर आप बादाम का दूध पिएंगे तो 15 दिनों में आपको फर्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर बादाम का दूध आप नहीं पी सकते हैं तो आप नॉर्मल दूध पिए। मैं आप जानते हैं कि मैं हमेशा ये कहती हूं कि एनिमल मिल्क को जितना आप अवॉइड करेंगे उतने ज्यादा आप स्वस्थ रहेंगे। दूसरा अगर लेने की बात करें तो जायफल के साथ साथ अगर उसके अंदर आप 1 चम्मच जायफल, 1 चम्मच सौंठ, 1 चम्मच जो है हल्दी और 1 चम्मच जो है उसके अंदर दालचीनी मिला लें और आधा चम्मच आप ये 2 बार करके अगर दिन में लेना शुरू कर देंगे तो बॉडी में कहीं भी जॉइंट्स में, नसों में जो तकलीफ है, जो दर्द की प्रॉब्लम है, वो आपकी पूरी तरीके से खत्म हो सकती है। और पूरी तरीके से खत्म होने के साथ साथ जो सूजन वगैरह हो गई है, रेडनेस हो गई है, काफ में बहुत ज्यादा आपको चलने में दिक्कत होती है, वो सब भी धीरे धीरे रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। इतना इंपॉर्टेंट है जायफल। अब लास्ट में एक जरूर मैं इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जायफल स्पेशली पुरुषों में क्यों बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मैं ये बता दूं कि इनफर्टिलिटी और बाकी चीजें तो ठीक है, डिप्रेशन के लिए भी ठीक है, लेकिन के साथ साथ एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा पतले हैं, जिनका कि शरीर ग्रो ही नहीं हो रहा है और वो कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं उसके बावजूद भी। तो एक छोटा सा मैं तरीका बताने जा रही हूं कि 5 ग्राम जायफल लीजिए, गुड़ जो होती है एक टुकड़ा, इतना बड़ा टुकड़ा गुड़ लीजिए, जायफल गुड़ को दूध में भिगोकर रात में रख दीजिए, मतलब 1 कप दूध के अंदर 1 छोटी चम्मच जायफल और 1 गुड़ का टुकड़ा भिगोकर रख दीजिए। सुबह आप उठिए और सुबह उठने के बाद उसको हल्का सा गुनगुना करके सुबह सुबह खाली पेट पी लीजिए। आप देखेंगे कि 15 दिनों के बाद आपका वेट गेन धीरे धीरे होना स्टार्ट हो गया। जिन लोगों के गाल वगैरह आप देखते हैं बहुत ज्यादा पिचक जाते हैं, अंदर की तरफ हो जाते हैं, उनका भी जो है चेहरा भरा भरा और अच्छा हो सकता है। तो ये था एक एक्स्ट्रा टिप। इसी तरह के मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत प्यार से देखभाल कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे वॉच करने के।